बनेगा चैंपियन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछेंगे, जो उस प्रश्न का सही उत्तर देगा सबसे पहले उसी बच्चे का चयन हार्ड सीट पे बैठने के लिए होगा। तो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कितनी संख्या है? सबसे पहला हाथ किसका उठा? अवंतिका शुक्ला। अवंतिका शुक्ला बताएंगे। इनका जवाब हमको लगता सही है। आप लोग अवंतिका शुक्ला के लिए जो तालियां हैं। अवंतिका शुक्ला बाहर आ जाए। अगले कंसेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कौन बनेगा चैंपियन में। तो ये आप अपना पर्चे खुद ही दीजिए, क्या है आप, कौन क्लास, किस क्लास का? मेरा नाम अवंतिका शुक्ला है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे माता का नाम मिसेज आराधना शुक्ला है, मेरे पिता का नाम श्री राजनारायण शुक्ला है, मैं पूरे मिश्री में रहती हूँ। तो फिर मैं आपको नियम बता देता हूँ। हमारे खेल में दो लाइफ लाइन है, एक आप किसी की मदद ले सकते हैं, तो आप चुन लीजिए आप किसकी मदद लेंगी। अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए तो फिर आपकी मदद करेगा एक बोलो जिसका नाम बुलाना। आदर्श आप इधर बैठ जाइए। चलिए, इन्होंने आदर्श का चयन कर लिया है और इसके बाद आपको बता दूं फिर से वही नियम दूसरा है कि आप अगर कंफ्यूजन हो चार ऑप्शन में दो ऑप्शन में गायब कर सकता हूं, इसको अपने पास वही रखिए क्योंकि हमारा ये काम कर रहा है। तो चलिए आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए? चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए, भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ? 2008, 2010, 2012। आराम से पढ़िए, उसके बाद आपका चलिए बताइए, सोच के बताइए आप। 2008 भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ? आप करके लगता है कि कंफ्यूजन है तो फिर आप जो है लाइफलाइन ले सकती हैं आप आसानी से, कि क्या है, किसकी मदद ले सकती हैं। बिल्कुल मदद ले सकती है अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो। मदद लेना चाहती है किसी की? चलिए, ये मदद लेना चाहती है किसकी? आदर्श की मदद लेना चाहती है। चलिए आदर्श, चलिए बताइए इनको, आप बताइए या फिर हमें बताइए। हमको भी लगता है सर मुझे आप इनकी राय माने या ना माने जो है आप स्वतंत्र हैं, आप अभी भी अपना ऑप्शन बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको लगता है। कंफर्म है क्योंकि आप बात बदल नहीं सकती। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए, इन्होंने इसका आंसर सही दिया है, इसका आंसर है आपका 2010 ही है। इनके लिए जोरदार तालियां। तो चलिए अब आप जा सकते हैं अपनी सीट पे बैठिए, हम अगले क्वेश्चन की देखिए। इन्होंने आंसर सही दिया है 2010 है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू। 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 चलिए इसके बारे
बारे में कंफर्म है आप? सही जवाब है या गलत? अगर आप कन्फ्यूजन लाइफलाइन ले सकते हैं। चलिए हम इसका ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसके बाद इनके बारे में थोड़ा हम सवाल जवाब पूछेंगे इनका। इसका जवाब बिल्कुल सही है। और चलिए इस्लामाबाद और ढाका और काठमांडू, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेत में काम करते हैं। खेत किसान। कितनी देर पढ़ लेती हैं आप? सर 2 घंटे। 2 घंटे स्कूल में मिला के स्कूल हटा के? स्कूल हटा के। अच्छा सुबह कितने बजे उठती हैं? माइक में बोलो, डरो मत, जो सत्य है वही बोलो। 6 बजे। 6 बजे उठ के क्या करती हैं सबसे पहले? चलिए ठीक है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है क्योंकि अभी हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं और क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है। 552। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। भारत तिरंगे झंडे का डिजाइनर कौन है? राजा रवि वर्मा, इकबाल, पिंकली वैकैया या नायक अली? पिंकली वैकैया। आपका जवाब सही है? पक्का? चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या फिर नहीं सही है, इसके बारे में कंफर्म करते हैं। चलिए क्योंकि देखिए कुछ जो लोग मुझे देख रहे हैं टेक्निकल इशू हर जगह होता है, तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं सही है या नहीं सही। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका जवाब बिल्कुल देखिए सही है, थोड़ा सा दिक्कत तो है। चलिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां? 7वां स्थान। बिल्कुल कंफर्म है आप? यस सर। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं सही है। तो बिल्कुल इनका आंसर सही है, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अच्छा जनसंख्या के आधार पे कुछ कितना स्थान है? प्रथम। जनसंख्या के आधार पे प्रथम है? चौथा। चौथा है। अच्छा पहला स्थान किसका है, किस देश का? जनसंख्या के आधार पे जहाँ आबादी ज्यादा है? चीन। और दूसरा किसका है? अमेरिका। अमेरिका का है? दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका। चलिए ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है लगता है, ज्यादा पढ़ लिया है आपने। चलिए धीरे धीरे सही रास्ते पे आ गई, मैं भी सरप्राइज हो गया कि इन्होंने कहां से पढ़ लिया है। इन्होंने लगता है क्षेत्रफल के आधार पर देशों के नाम पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन हो गया। और आपका जवाब सही है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडिटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, इंग्लैंड, वेटिकन सिटी? वेटिकन सिटी। कंफर्म है आप? यस सर। अच्छा नेपाल जानते हैं? नेपाल के बारे में कुछ जानती है? अच्छा इंग्लैंड के बारे में? अच्छा अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे ना। अच्छा भूटान के बारे में कुछ? नेपाल और भूटान कुछ सुना सुना नहीं लगता है? आपके पड़ोसी देश है? पड़ोसी देश है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। वेटिकन सिटी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर एड्स दिवस कब होता है? 5 सितंबर, 22 मार्च, 11 जुलाई और 1 दिसंबर? 1 दिसंबर।
सही है। यस सर। अच्छा 5 सितंबर को क्या हो गया? टीचर्स डे। टीचर्स डे होता है, अच्छी बात है। चलिए टीचर्स डे हुआ था, इस बार आपने मनाया था? यस सर। अच्छा टीचर्स डे क्यों मनाया था? अच्छा वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा से जवाब दिया और खेला भी बहुत अच्छे से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताली बजाए भाई, तालियां बजाइए। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं और जो कुछ भी इस बच्ची से पूछ रहे हैं, ना हमने इसको बताया है, हमने भी अभी अभी सोचा है, तो कुछ भी मिक्स नहीं किया गया है, बिल्कुल लाइव ही चल रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं फिर से और शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। चलिए तो अच्छा आपने आपके स्कूल में कोई मैगजीन निकाली गई है, उसका क्या नाम है? एलआरडी। फुल फॉर्म? लर्निंग रिसोर्सेज पेपर। चलिए अगला क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का क्या नाम? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही है। अच्छा चलिए क्या जवाब सही है? बिल्कुल सही जवाब है। और अभी इन्होंने बताया है कि अभी इन्होंने बताया भी है कि जो टीचर्स डे मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिन पे मनाया जाता है। और अच्छा इनके बारे में कुछ और मालूम है क्या? अच्छा नहीं मालूम। चलिए हम कुछ आपकी मदद किए देते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा तो आप इन्हीं का नाम है, ठीक है? पहले राष्ट्रपति का नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हम ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं, दिखाने को तो हम 10 ही सवाल दिखा रहे हैं लेकिन पूछ रहे हैं ढेर सारे सवाल और बच्ची जो है बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब भी दे रही है। चलिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। चलिए परमवीर चक्र के बारे में कुछ जानकारी है आपको, किनको दिया जाता है? ऐसे हमने आपको बताया नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा, हो सकता है किसी से आपने सुना हो। परमवीर चक्र जो है सेना और आर्मी में जो देश की रक्षा करते हुए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं उनको दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा पराक्रम से लड़ते हैं उनको दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक प्रश्न की तरफ। भारत ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1982, 1983, 1980 और 2011। 1983 कंफर्म है, क्योंकि आपके पास 1,00,000 अभी बची हुई है और आपके 10 प्रश्न पूरे हो रहे हैं, क्योंकि हम 10 ही प्रश्न का कर रहे हैं अभी। कंफर्म है। चलिए इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा आप ये बताइए कि क्रिकेट देखती हैं? खेलती नहीं। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा आपको पता है कि भारत ने कुल कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? नहीं पता है। तो चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट खेलती नहीं है इसलिए जानकारी नहीं है। 2011 में भी वर्ल्ड कप जीता गया था, जो कि इंडिया में ही जीता गया था और इस टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, धोनी ने बहुत ही अच्छा खेला है। हमने कहने को 10 प्रश्न लिखे हुए हैं लेकिन हमको लगती है 20 क्वेश्चन से ज्यादा हमने इनसे पूछे हैं और इन्होंने सारे सवालों के जवाब बहुत कॉन्फिडेंस से दिए हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम जो है इनको बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंस डेवलप भी करें अंदर, ताकि आने वाले समय में ऐसे कोई कंपटीशन हो, एग्जाम हो या फिर लाइफ में हो, ऐसे चैलेंजेस को ये फेस करें। और इनको इसकी पुरस्कार से एक डिक्शनरी दी जाएगी और बाकी की प्रक्रिया जो है। और आज के चैंपियन जो हमारे बनते हैं अवंतिका शुक्ला जी, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे चैंपियन है
अवंतिका शुक्ला जी और हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से इस आज के चैंपियन को एक ट्रॉफी और इसके साथ एक हिंदी शब्दकोश दिया जा रहा है ताकि इनको कभी भी हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो तो इस शब्दकोश से पढ़ सकती हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे हमारा पूरा विद्यालय परिवार आए और इस बच्ची के भविष्य को सुरक्षित करते हुए इन्हें ये किताब और ये ट्रॉफी दी जाए। तो इसी के साथ आज का चैंपियन कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। अगले चैंपियन के दिन के साथ हम लोग मिलेंगे अगले शनिवार को। इसी के साथ सभी को हमारा नमस्कार, धन्यवाद।